हे एवरी वन, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल आर फाइन, आई एम गुड इज़ वेल। आज बहुत दिनों बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू। पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा बिजी थी और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने बिल्कुल भी पोस्टिंग नहीं की। लेकिन अब फाइनली मैं फिर से आ गई हूँ यूट्यूब पे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक्टिव रहूँ और आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के रिव्यू देती रहूँ। आज मैं जिस प्रोडक्ट का आपको रिव्यू देने वाली हूँ वो एक फ़ेस वॉश है। दिस फेस वॉश इज़ बाय रिबाज यूके। इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान तो आप डेफिनेटली रिबाज यूके के बारे में जानते होंगे। ये एक मल्टी कैटेगरी ब्रांड है और इसमें आपको मेकअप, स्किन केयर के हर किस्म के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते होते हैं। बहुत ही वेल नोन कंपनी है ये। इनकी मेकअप की या इनकी स्किन केयर की कोई ना कोई प्रोडक्ट किसी ना किसी ने ज़रूर इस्तेमाल की होती है। अच्छा जी, मैंने इस कंपनी की बहुत सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल की है, मेकअप की भी इस्तेमाल की है, स्किन केयर की भी मैंने इस्तेमाल की है, और मेरे ख्याल से कोई दूसरा रिव्यू होगा इनकी किसी प्रोडक्ट का या शायद पहला होगा, मुझे क्लियरली नहीं मालूम। लेकिन ये फेस वॉश है जो कि मैं काफ़ी इस्तेमाल कर चुकी हूँ और मैं अब आपको इसका क्लियर रिव्यू दूंगी। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। इसकी सुपर क्यूट प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट बॉटल है और इसकी जो है प्लास्टिक की सी कैप है, बहुत ही अच्छी फिट है, कहीं से भी लीक नहीं होता। और इसकी जो पैकेजिंग है ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। इसके बाद बात करते हैं कि इस बॉटल में कितनी प्रोडक्ट आती है। इसके अंदर आती है 100 ml प्रोडक्ट आती है। इसके ऊपर लिखा गया है रिबाज यूके डीप क्लीन ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट स्किन जेल फेस वॉश क्लेंसेस डीप इनटू पोर्स जेंटली रिमूव डर्ट एक्सेस ऑयल एंड इम्प्योरिटीज। अच्छा, इसकी बैक साइड पे इसकी मोर डिटेलिंग लिखी हुई है, हाउ टू यूज़, इंग्रेडिएंट्स, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में लिखी गई है। वाकई में ये एक जेल फेस वॉश है। फेस वॉश डिपेंड करता है हर किसी की स्किन टाइप पे कि आपकी कौन सी स्किन टाइप है, और डिफरेंट स्किन टाइप पे डिफरेंट फेस वॉश डिफरेंट तरह वर्क करते हैं। जिनकी ड्राई स्किन होती है उनको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे, जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। फेस वॉश ड्राई स्किन वालों के लिए तो इतना ज़रूरी नहीं होता अंटिल इट टर्न इनटू एक्नी स्किन। जब आपको एक्नी होती है तब आपको काफ़ी ज़रूरत होती है फेस वॉश की, बट जिनकी ड्राई स्किन होती है, जिनको एक्नी नहीं होती, उनके लिए फेस वॉश इतना ज़रूरी नहीं है। आप कुछ दिनों बाद भी इसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप 2 दिन बाद भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप डेली फेस वॉश यूज़ करें, बट या जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके लिए फेस वॉश ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज उनकी स्किन पे ऑयल आता है और ऑयल को रिमूव करने के लिए फेस वॉश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फेस वॉश मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने इसको सर्दियों से इस्तेमाल किया है, और सर्दियों से लेकर अभी तक मुझे इसके जिस तरह से रिज़ल्ट मिले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं अपना बता दी चलूँ कि आई हैव अ सुपर ड्राई स्किन, बट फिर भी मैंने इसे सर्दियों में भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारे डेली बेसिस में मेकअप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से हमें फ़ेस वॉश यूज़ करना ही पड़ता है। बट मेरी तो ये एडवाइस है ड्राई स्किन वालों को कि आप फेस वॉश को कम से कम इस्तेमाल करें और क्लेंजिंग करें और अपनी स्किन को साफ भी रखें, लेकिन फेस वॉश को कम इस्तेमाल करें क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और उसके बाद उसकी मॉइस्चराइजेशन को वापस लाना मुश्किल हो जाता है। बाकी अगर बात की जाए इस फेस वॉश की, तो इस फेस वॉश की जो प्राइस है ये आपको 500 तक मिलेगा, विच इज़ रीज़नेबल। ये मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया, काफ़ी टाइम मैंने इसको इस्तेमाल किया, ये अभी तक मेरा चल रहा है, और मैंने इसे सर्दियों में जब मैं इसे इस्तेमाल करती थी तो ये मेरी स्किन में ड्राइनेस करता था, बिकॉज मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है। जिनकी बहुत ऑयली स्किन है उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिनकी ड्राई स्किन है उनसे मैं कहूँगी कि वो क्लेंजिंग करें। आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद फेस वॉश करें, रोज़ाना फेस वॉश बिल्कुल भी ना करें। ये बात मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, एंड अगेन आई विल रिपीट कि फ़ेस वॉश का काम होता है आपकी स्किन को क्लीन करना। अगर वो अपनी जॉब अच्छे से कर रहा है दैट्स मीन इट्स अ गुड फेस वॉश। सो मैंने इस फेस वॉश को इस्तेमाल किया है, इसके साथ मैंने और फेस वॉशेस भी यूज़ किए हैं, बट दिस वन वॉज द गुड वन। ये काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी नहीं कर रहा था मेरे फेस पे, एक लिमिट में ड्राइनेस थी और फेस को अच्छे से क्लीन कर देता था। और इसे आपने रिंस ऑफ अच्छे से करना है और उसके बाद आपको इंशाल्लाह आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, और ये अपना काम अच्छे से करता है। मेरी तरफ से
इसके लिए यस है, आप लोग ले सकते हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और भी मैंने बहुत सारे फेस वॉश यूज़ किए थे बट दिस वन वॉज द गुड वन। और ये जो है मेरी स्किन पे सूट भी किया था और मैंने इसको काफ़ी अर्सा यूज़ भी किया है। नाउ फाइनली मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ, सो अगर आप लोग लेना चाहें तो मेरी तरफ से ले सकते हैं। अगर आपने कभी इस फेस वॉश को इस्तेमाल किया है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट एरिया में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।